अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों के पास वक्त कम होता है और हम वी फील लाइक बर्न आउट कि हमारे पास टाइम कम है और हम कहते हैं कि ये भी काम हो जाए और वो भी काम कर लें, लेकिन कोई भी काम हो नहीं पाता और हर काम में कोई ना कोई गलती हो जाती है। फिर आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप काम कर लें। समटाइम फैमिली कॉल्स होती हैं, फैमिली से मिलना होता है, आप उसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि आपके सर पे होता है कि आपने काम को ख़त्म करना है, आपके पास टास्क होते हैं। सो आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस के लिए ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये मैंने की बुक्स पढ़ी हुई है, मैंने कई दफ़ा इस बुक को पढ़ा है, दिस सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको बहुत दफ़ा पढ़ चुकी हूँ। ये स्टीव कवी की बुक है, आपके पास जब भी टाइम हो इसको ज़रूर पढ़ें। इसी बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि आपको डेली अपनी रूटीन में कौन से काम सबसे पहले करने चाहिए। मैं जॉब के अलावा मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, तो मैं फोकस नहीं कर पा रही। आई फील लाइक बर्न आउट, मैं अपनी वर्क लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रही। जो इम्पोर्टेंट काम है, अर्जेंट नहीं है तो उनको बाद में कर सकते हैं, तो हमें डिफाइन होना चाहिए। तो अर्जेंट वो होते हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो। सो राइट नाउ जो भी सिचुएशन है, मुझे जॉब से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है और असाइनमेंट्स भी हैं, कुछ ट्रेनिंग्स भी हैं जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो मेरे लिए अर्जेंट हैं। सो आप लोग भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि ये अर्जेंट नहीं है, आप लोगों से मैं फिर मुलाकात कर सकती हूँ, आप लोगों के लिए मैं वीकली की बजाय ट्वाइस अ मंथ भी कर सकती हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है लेकिन अर्जेंट नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस वक्त जो अर्जेंट मेरे लिए है वो मेरी असाइनमेंट है और प्रोजेक्ट है जो मुझे टाइम पे कंप्लीट करना है। तो उसको अच्छी तरह से फोकस करने के लिए और अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं कुछ टाइम के लिए यूट्यूब से ब्रेक लूँ। अगर आप भी कभी लाइफ में, अगर आपके पास टास्क ज़्यादा हो, वक्त कम हो, एंड व्हेन यू फील लाइक बर्न आउट, तो सो इट्स ओके टू हैव ब्रेक, क्योंकि वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तो मैं भी यही कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कभी आपको लगे कि टास्क ज़्यादा हैं, वक्त कम है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं। जो अर्जेंट हैं उनको पहले कर लें, जिनका होना बहुत ज़रूरी है, जिनसे आपको नुकसान हो सकता है, जिनके होने ना करने से आपको तकलीफ हो सकती है, जैसे जॉब से रिलेटेड हो जाए या फैमिली या कोई भी ऐसा मैटर जो अर्जेंट है, आपको फौरन जिस पे आपका एक्शन चाहिए तो आपको चाहिए, आपको पहले उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सकते जो आप कल पे नहीं डाल सकते। तो इसलिए हमेशा पहले अपने अर्जेंट काम को करें और उसको प्रायोरिटी दें, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करना है और ये अर्जेंट है मेरे लिए। तो जब तक मेरा ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से वीकली मुलाकात नहीं कर सकूँगी, लेकिन मैं कम्प्लीटली आप लोगों से दूर नहीं होंगी। मैं अगर जहाँ वीकली वीडियो बनाती थी आप लोगों के लिए, वहाँ ट्वाइस इन अ मंथ, टू वीक्स में या एटलीस्ट वंस इन अ मंथ मैं ज़रूर आप लोगों से कॉन्टेक्ट में रहूँगी। सो आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं जो ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ और जो मेरी ट्रेनिंग है उसमें कामयाबी हासिल करूँ, और जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा इंशाल्लाह मैं फिर से वीकली वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह इन टू वीक्स में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।